नमस्ते। लेडीज अपनी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए पार्लर्स में अलग अलग ट्रीटमेंट कराती है। ऐसे में बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी होती है कि जो केमिकल्स वाले प्रोडक्ट यूज़ करने पर भी कितराती नहीं है, और रिजल्ट में क्या होता है, स्किन में उम्र बढ़ने से पहले ही उम्र बढ़ने के निशान नज़र आने लग जाते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती है, ख़ास तौर पर स्किन एकदम लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो गाल है वो एकदम लटकता हुआ नज़र आता है। ये जो गर्दन का हिस्सा होता है उसमें भी सारे फैट एकदम स्किन लूज़ हो जाती है। तो ऐसे में आप वापस से कोई केमिकल्स वाले प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपकी स्किन पर और केमिकल का हमला होगा। देखिए, वैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे भी होते हैं, मगर हर किसी को हर प्रोडक्ट सूट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग अलग होती है। तो ऐसे में इन केमिकल्स वाले झंझटों में से पड़ने से अच्छा आप अच्छी तरह से एक नेचुरल तरीके से घर पर कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर अपनी स्किन को टाइट बना सकते हो, यानी कि स्किन में कसावट ला सकते हो। देखिए, हम जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको घर पर ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे। कुछ तेल है, कुछ फेस मास्क है, इसका इस्तेमाल करके आपने अपनी स्किन को टाइट बनानी है घर पर ही। इसमें कोई केमिकल्स का भी हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि हाँ, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि स्किन लूज़ क्यों होती है, आपकी स्किन एकदम ढीली ढीली क्यों हो जाती है, इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह बेहतर इन वीडियो आपको मेरे चैनल से रोज़ाना मिलती रहेगी। देखिए, स्किन लूज़ होना, इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। वो बाहरी तौर पर से भी हो सकता है, या तो फिर आपके शरीर के अंदर की कमी के वजह से भी हो सकता है। दरअसल क्या होता है कि आपकी स्किन एकदम लूज़ होती है, उसके पीछे अगर आप बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स वाले चीज़ें यूज़ करते हो, अलग अलग ट्रीटमेंट कराते हो, फेशियल वगैरह बहुत सारे केमिकल्स वाली चीज़ें यूज़ करते हो, या तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन में रहते हो, बहुत ही धूप के कॉन्टैक्ट में भी आते हो, या तो फिर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आप अच्छा खाना नहीं खाते हो, जंक फूड, फास्ट फूड, जो बहुत ही ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें भी आपकी स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। अगर आप अपनी स्किन का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हो, इसकी वजह से भी आपको बाहरी तौर पर स्किन में लूजनेस हो सकती है, या तो फिर स्किन के, अगर आपके फेस पर जो कॉलेजन होता है, यानी कि कॉलेजन स्किन को टाइट रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उससे स्किन की बनावट होती है। तो अगर आपकी स्किन में कॉलेजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, अच्छे से बन नहीं रहा है, या तो फिर आपके बहुत ही ज़्यादा फैट जमा हो गई है, आपके फेस पर बहुत ज़्यादा फैट सब जमा हो गया है, आपने वेट लॉस किया हुआ है, पहले आप बहुत ज़्यादा मोटे थे, फिर आपने वेट लॉस किया, तो भी स्किन में एकदम लूज़ हो जाती है, या तो फिर हड्डियों से मांस बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें वजह से आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाती है। तो ऐसे में आपको कोई केमिकल्स वाली चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ तेल का इस्तेमाल करके भी आप घर पर अपनी स्किन को टाइट बना सकते हो। देखिए, स्किन के लिए अब बहुत सारे तेल यूज़ किए जाते हैं, उसमें से एक नारियल का तेल भी होता है, यानी कि नारियल का तेल स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आपने बहुत सारे इसके फ़ायदे भी सुने होंगे, जैसे कि कुछ चोट लग गई, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा आपको टैनिंग हो गया, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, और भी बहुत सारी चीज़ों में नारियल का तेल इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटी एजिंग गुण भी होते हैं, यानी कि आपके उम्र बढ़ने के जो निशान होते हैं उसको भी कम किया जा सकता है, झुर्रियाँ है उसको भी कम किया जा सकता है, और साथ ही में इसके अंदर विटामिन ई भी होता है, विटामिन ई स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप एटलीस्ट दिन में एक बार नारियल का तेल को अच्छा हल्का सा लेकर अपने हाथों में लगा दीजिए, फिर आप अपने फेस पर इससे मसाज कर सकते हो। लगभग 10 से 15 मिनट तक आप हल्के हाथों से मसाज कीजिए, इससे आपके स्किन में अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे, विटामिन ई मिलेगा, और साथ ही में ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होगा।
आप दिन में एक बार अपने फेस पर नारियल के तेल से मसाज कर सकते हो, या तो फिर अगर आप ऐसे ही मसाज नहीं करना चाहते हो तो रात को सोते समय भी आप नारियल का तेल अपने फेस के ऊपर लगा कर सो सकते हो। देखिए, आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो फिर आपको तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि आप तेल के बदले और क्या यूज़ कर सकते हो। खासतौर पर अगर आप बहुत ही ज़्यादा गर्मी का मौसम है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो भी तेल को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, सरसों का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सरसों के तेल में नारियल के तेल से भी ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है और साथ ही में इसमें भी एंटी एजिंग गुण होते हैं। ये स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाता है। अगर आपको हड्डियों में दुखाव हो रहा है तो भी आप इस तेल से, या तो फिर शरीर में दुखा बहुत ही ज़्यादा बदन दर्द होता है तो भी सरसों के तेल से मालिश की जा सकती है। तो इस तरह आप अपने फेस पर भी सरसों के तेल आप लगा सकते हो। देखिए, नहाने से 5 मिनट पहले आपने अपने फेस पर सरसों का तेल अच्छे से लगा लेना है। आप गर्दन पर और पीछे नेक पर भी लगा सकते हो। आप अच्छे से सरसों का तेल हफ्ते में सिर्फ एक ही बार लगाना है, रोज़ाना नहीं लगाना। आप हफ्ते में सिर्फ एक बार अपने फेस पर लगा दीजिए, जहाँ पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा लूज स्किन लग रही है। अगर हाथों में लग रही है तो हाथों में भी आप सरसों का तेल लगा सकते हो। फिर आपने नहा लेना है, जिससे कि तेल सारा का सारा उतर जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे से न्यूट्रिशन भी मिलेंगे। सेम चीज़ अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो आपको तेल को अवॉइड करना है। या तो फिर देखिए, अगर मौसम अच्छा है, ठीक ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ठंडक है, तो आप ये सरसों का तेल लगा सकते हो, क्योंकि ये आपको हफ्ते में एक ही बार यूज़ करना है और आपने 5 से 10 मिनट के बाद उसको उतार देना है, तो ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। देखिए, अगर जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली होती है, या तो फिर अगर आप विटामिन ई की कैप्सूल लगाना चाहते हो, विटामिन ई की कैप्सूल बहुत ही अच्छी होती है। लगभग बहुत सारे फेशियल प्रोडक्ट्स में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाता है। आपको कोई भी कॉस्मेटिक शॉप में या तो फिर मेडिकल्स में भी अवेलेबल होती है, तो आप विटामिन ई की कैप्सूल खरीद कर भी उसको सीधा अपनी स्किन पर लगा सकते हो। ये विटामिन ई की कैप्सूल बहुत ही इजीली मार्केट्स में मिल जाती है और साथ ही में आपकी स्किन में बहुत ही अच्छी तरह से विटामिन ई प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से आपकी झुर्रियाँ कम होती है, आपकी स्किन टाइट होने में मदद मिलती है, स्किन में ग्लो आता है, जो भी आपको पिंपल्स वगैरह हो उसमें भी काफ़ी हद तक आपको राहत मिल सकती है। तो आपने क्या करना है, आप सोने से पहले विटामिन ई की कैप्सूल अपने फेस पर, जहाँ पर भी आपको स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है, वहाँ पर लगा कर आप सो सकते हो। या तो फिर अगर आपने इसको उतार देना है तो आप दिन में किसी भी टाइम पर एक फ़िक्स टाइम रख दीजिए। आपको रोज़ाना ये लगाना है, इसलिए एक ही फ़िक्स टाइम पर आप लगाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होंगे। जैसे कि आपने दिन में लगाना है तो आप विटामिन ई में से सारा का सारा विटामिन ई का तेल निकाल कर आप अपने फेस पर लगा सकते हो। फिर 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको धो देना है, यानी कि सारा का सारा तेल धो देना है, निकाल लेना, अपना फेस वॉश कर लेना है। इससे भी आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस आएगी, साथ ही में आपकी स्किन में ग्लो भी आएगा। देखिए, आप इसे अगर आप ऐसे ही लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, या तो फिर इसको हफ्ते में एक बार हल्के हाथों से मसाज भी कर सकते हो। वैसे आपको विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो रोज़ाना अपने स्किन पर लगानी है। अगर आप चाहो तो कभी कभी आप इससे मसाज भी कर सकते हो। देखिए, अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो और अगर आप अंडे खाते हो तो आप अंडे से भी एक फेस मास्क बना सकते हो। ये फेस मास्क आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार यूज़ करना है और इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको विटामिन ई मिल जाता है, विटामिन्स, खनिज, और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें आपको अंडे का वाइट पार्ट यूज़ करना है। वाइट पार्ट निकाल कर आपको इसके अंदर हनी मिला देना है, यानी कि जो शहद होता है वो आपको इस फेस मास्क के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि अंडे का सफ़ेद पार्ट और हनी, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक बैटर जैसा बना लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स हो गया, फिर आपको स्किन पर लगा लेना है। स्किन पर, जहाँ पर भी आपको स्किन लूज़ हो गई है, उस जगह पर आप लगा सकते हो, बॉडी के किसी भी पार्ट में आप लगा सकते हो, हाथों पर, पैरों पर। तो आप ये फेस मास्क को 10 से 15 मिनट तक लगा कर रखिए, फिर इसको धो दीजिए। ये भी आपको हफ्ते में एक बार इसको ज़रूर लगाना है।
अगर आप एक वेजिटेरियन हो, अंडे नहीं खाते हो, तो आप केले से भी ये फेस पैक बना सकते हो। देखिए, केले के अंदर बहुत ही अच्छे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, जो कि आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है और स्किन टाइट करने में मदद करता है। एक पूरी तरह से पका हुआ केला ले लेना है और फिर आप इसके अंदर नींबू का रस मिलाना है। नींबू के अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन सी भी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इससे स्किन में ग्लो आता है और स्किन भी टाइट होती है, साथ ही में झुर्रियों को भी कम किया जा सकता है। तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके पूरी तरह से पका हुआ केला लेना है, इसको मैश कर दीजिए। इसके अंदर एक आधा नींबू का रस मिला दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करके अपने स्किन पर 10 से 15 मिनट तक लगा कर रखिए, फिर इसको धो दीजिए। इसको भी आप हफ्ते में एक बार यूज़ कीजिए। आपने तेल भी लगाना है, अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो आप विटामिन ई का तेल कैप्सूल यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, तो आप कोई भी अपने पसंद का तेल यूज़ कर लीजिए, यानी कि नारियल तेल या तो फिर सरसों का तेल। विटामिन ई का तेल भी आपको लगाना चाहिए, क्योंकि ये स्किन के लिए अच्छा होता है। और फिर आपको हफ्ते में एक बार ये फेस मास्क आपको ज़रूर ट्राई करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप घर पर सिर्फ एक महीने तक कर लेते हो तो आपकी स्किन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी, एकदम टाइट हो जाएगी, झुर्रियाँ भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।